हेलो गाइस, इस वीडियो में हम प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस का पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रेटजीज इन फॉर फूड इम्प्रूवमेंट का कंटिन्यूएशन है। ठीक, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो पिछले वीडियो में हमने ये पूरा जो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अलग अलग प्लांट वेराइटीज़ के बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम जो है प्लांट ब्रीडिंग, पिछले वीडियो में जो था हम लोग प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड था, ठीक है। और अभी का जो वीडियो का टॉपिक है वो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। कैसे हम प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाएं, रेजिस्टेंट बनाएं, जो कि अब एक बहुत मेजर कॉज है क्रॉप डिस्ट्रक्शन का, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एनसेटिक स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, वाइड रेंज ऑफ फंगल बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस। मतलब जो पैथोजन मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो हार्म करता है क्रॉप्स को, ठीक है। अफेक्ट द यील्ड ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीशीज स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो होता है, ट्रॉपिक्स जहाँ पे मतलब है ना, टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन में भी जहाँ पे ज़्यादा उतना मतलब जो मेजर हमारे इंडिया का जो है मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा ही मतलब क्या होता है, पेस्ट का इन्फेक्टेशन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है। पेस्ट मतलब जो जैसे कि कीड़े मकोड़े जो है हिंदी में बोले तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉप लॉसेस कैन बी ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट अप टू 20-30% और सम टाइम्स इवन टोटल, ठीक है। तो जो होता है मिनिमम उसका 20-30% क्या होता है, अगर एक बार एक मतलब इंसेक्ट अगर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स इन्फेक्ट कर दिए किसी क्रॉप को, तो मिनिमम जो है 20-30% और मैक्सिमम जो होगा टोटल यानी कि 100% भी हो सकता है क्रॉप का लॉस, ठीक है। इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवार्स, मतलब प्लांट रेजिस्टेंट टू डिसीज एनहेंसेस द फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या है, क्वालिटी वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, मतलब प्लांट ब्रीडिंग में। और इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कल्टीवार्स, मतलब जो डिसीज और पेस्ट से रेजिस्टेंट है उसके बारे में बात करें, ठीक है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। दिस ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फंजीसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो कन्वेंशनल फार्मिंग है यानी कि जो ओल्ड एज अप्रोच है कि हम लोग वीडीसाइड और फंजीसाइड्स केमिकल्स को प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, जो कि पॉइजन होता है और जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स को किल करता है, लेकिन वो एक एक्सपेंसिव और हम लोग ह्यूमन मतलब बींस के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है केमिकल्स का यूसेज। तो एक प्लांट में ही एक रेजिस्टेंस का जीन्स डेवलप आ जाए तो अच्छा होगा ना, केमिकल पर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, तो वो ये बोल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉसिंग द डिसीज एंड डिटरमाइंड बाय जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट, होस्ट प्लांट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो किसी पैथोजन के उससे रेजिस्टेंट हो, मतलब किसी भी इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट हो, मतलब वो रोक सके कोई भी इन्फेक्शन को, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलता है, बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन, मतलब ब्रीडिंग होने के पहले, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉसेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ मालूम चल गया कि एक प्लांट को ब्रीड करना कि प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट वे में ब्रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो वैसा ब्रीड करने के पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर एक फसल उग रहा है हमारे पास, गेहूं का है या चावल का फसल है, तो उसमें कौन कौन सा पैथोजन जो है वहाँ पे इन्फेक्ट करता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इन्फेक्ट करता है, तो हमको ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ऑफ द डिसीजेस कॉज्ड बाय फंगस, तो फंगस जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसको अपन बोलते हैं रस्ट, ठीक है। जैसे कि ब्राउन रस्ट ऑफ वीट है, हम लोग अभी जान रहे हैं, ठीक है, रेड रॉट, ठीक है, और रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड अर्ली, ठीक है, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, फंगल डिजीज है। और जो बैक्टीरिया जो होता है जो डिजीज कॉज करता है उसको बोलते हैं रॉट, ठीक है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो भी बैक्टीरियाज होता है, ठीक है, रेड ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स भी किसे होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि रस्ट इज़, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट दिया हूँ, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन किया हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। जैसे कि आपको ये मालूम चल गया है कि क्रूसीफर्स, ठीक है, क्रूसीफर्स में ब्लैक रॉट जो होता है बैक्टीरिया क्रॉस करता है, और वायरसेस में जो होता है टोबैको मोजाइक वायरस एंड टर्निप मोजाइक वायरस, जो टर्निप में डिजीज को क्रॉस करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जब हम बात करें कि कौन सा डिसीज़ का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। रस्ट को मैं जैसे कि मैंने बताया फंगस के द्वारा कॉज होता है, तो जैसे कि ब्राउन रस्ट ऑफ वीट है तो वो प्यूसीनिया, मतलब मैं ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ दिया नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में वो आया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर जैसे कि हम लोग का ब्राउन रस्ट है, तो ब्राउन रस्ट जो होता है वो ऑफ वीट प्यूसीनिया से कफ होता है, ठीक है, जो कि बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है।
फिर उसके बाद जब हम बात करें कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है वो कलेक्टोट्राइकियम कॉज करता है, जो कि ड्यूट्रोमाइफिटिस का मेंबर है, ये अपना वहाँ पे दिया है प्लांट चैप्टर 2 प्लांट डाइवर्सिटी एंड एनिमल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया गया। ठीक है, अब जब बात करें वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स जो कि एल्ब्यूगो कैसे कॉज करता है, जो कि फाइकोमाइफिटिस का मेंबर है। ठीक है, और रॉट जो होता है बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो लेट ब्लाइट पोटेटो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से कॉज होता है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स जो होता है वो जेंथोमोनस कैम्पेस्ट्रिस के द्वारा कॉज होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि कौन सा डिसीज़ किससे कॉज होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने एनसीईआरटी के साइड में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। फिर हमने दूसरा मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ पढ़ते हैं, ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक दैट इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, जो चार टेक्निक मैं बताया था, तो कन्वेंशनल। और दूसरा है अपना म्यूटेशन, तो म्यूटेशन जो होता है फिजिकल एजेंट से भी होता है और केमिकल एजेंट से भी होता है। ठीक है, फिजिकल एजेंट मतलब क्या होता है कि हम फिजिकली कुछ जैसे कि अल्फा रेज हो गया, बीटा रेज हो गया, गामा रेज हो गया, तो ये सब के द्वारा हम लोग जो म्यूटेशन कॉज करवाते हैं उसको बोलते हैं क्या, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, या फिर अगर केमिकल कॉज में, तो कुछ केमिकल्स के द्वारा भी हम लोग म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, तो उस स्टेज में हम लोग जो है कुछ सर्टेन केमिकल्स लाइक क्या बोलते हैं, हाँ, कोल्चिकाइन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट या फिर मैलिक एसिड जैसे एक चीज़ को हम लोग यूज़ करके म्यूटेशन, केमिकल म्यूटेजन्स बोलते हैं। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन मतलब फिर उसके म्यूटेशन को इंट्रोड्यू म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए म्यूटेशंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और म्यूटेशन जो होता है, जो मैं पहले बताया आपको, थ्री टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन जो होता है म्यूटेजन से होता है। म्यूटेजन्स क्या होता है, म्यूटेशन कॉजिंग मतलब सब्सटेंस को बोलते हैं म्यूटेजन्स। ठीक है, इतना हमने आगे दूसरा आगे बढ़ते हैं, तो कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस इज दैट हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन। वो अपना पता है कि पहले पेरेंट्स को वेरिएबिलिटी सेलेक्ट किए, फिर उसको हम लोग क्रॉस करवाए, लेकिन ये जो है मॉडर्न टेक्निक है, दैट इज़ म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिसमें हम लोग म्यूटेजेंस, द सब्सटेंस विच कॉज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेजेंस। ठीक है, उससे हम लोग म्यूटेशन को इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर इट्स स्टेप्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ ब्रीडिंग फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाई यील्ड। द वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप्स आर स्क्रीनिंग जर्मोप्लाज्म फॉर डिसीज रिसोर्सेज। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्टेड प्लांट सेलेक्शन ऑफ एंड सेलेक्शन और इवेल्यूएशन ऑफ द हाइब्रिड एंड टेस्टिंग ऑफ रिलीज ऑफ न्यू वेराइटी। ठीक है ना, ये फिर जो है समझ में आ गया कि कैसे से हम लोग कि डिसीज रेजिस्टेंस के लिए ब्रीडिंग जो होता है वो दो प्रकार से होता है, वो समझ में आ गया, म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में पहले वेरिएबिलिटी को सेलेक्ट किए, फिर उसको पेरेंट्स को सेलेक्ट किए, फिर पेरेंट में क्रॉस कराए, फिर पेरेंट में क्रॉस कराए हम लोग सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स किए, फिर इवेल्यूशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट किए, फिर टेस्टिंग रिलीजन कल्टिवेशन ऑफ दी कल्टीवार्स। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे मैं कुछ कुछ वैरायटीज़ ऑफ प्लांट, सम वैरायटीज़ ऑफ प्लांट ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन फॉर डिसीज़ रेजिस्टेंस टू फंगस, फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरल डिसीज आर रिलीव्ड इन द टेबल 1.1। ठीक है, अब इसमें 9.1 टेबल में जो ब्रीड कैसे ब्रीड करते हैं, तो पता ही है, म्यूटेशन ब्रीडिंग तो सिंपल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है कि हम लोग एक बॉक्स में रखें प्लांट को, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग म्यूटेशन पर्टिकुलर जीन्स में हम लोग अल्फा रे या गामा रेज को हम लोग स्ट्राइक करवा कर वहाँ पर चेंजेस लाते हैं, तो वो सब चीज़ से। या फिर और ये जो टेबल में दिया गया है ये कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन से हुआ, मतलब कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हुआ। ठीक है, वो ये टेबल डिस्कस किया, जैसे कि अपना क्रॉप वैरायटी है वीट, वीट में एक हिमगिरी वैरायटी है जो कि लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिल बर्नट से रजिस्टेंट है। इसको आप याद है, लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिल बर्न। ठीक है, वीट का कौन सा वैरायटी, हिल बर्न, हिमगिरी वैरायटी। ठीक है, तो ये सब जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से डेवलप किया गया, वीट का वैरायटी हिमगिरी जो कि लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिल बर्नट, तो रस्ट इज कवर्ड बाय फंगस। ठीक है,
एंड ब्रैसिका में पूसा स्वर्णिम जिसको हम लोग करण राई बोलते हैं, जो कि वाइट रस्ट से होता है, रस्ट इज कवर्ड बाय फंगस, याद रखिए। ब्रैसिका में पूसा स्वर्णिम वेराइटी जो कि वाइट रस्ट से रजिस्टेंट है। क्वाली फ्लावर में पूसा सुभ्रा और पूसा स्नोबॉल केवन है। पूसा सुभ्रा जो है ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट एंड ब्लैक रॉट, ठीक है, ब्लैक रॉट कर्ल ब्लाइट एंड ब्लैक रॉट, ठीक है, तो एंड कर्ल ब्लाइट ब्लाइट एंड ब्लैक, ठीक है, ठीक है ना। तो क्वाली फ्लावर में दो वेराइटी है, पूसा पूसा सुभ्रा पूसा स्नोबॉल, जो कि ब्लैक रॉट कर्ल ब्लाइट एंड ब्लैक ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट से रजिस्टेंट है। ब्रासिका में पूसा स्वर्णी में जो कि वाइट वाइट रेस्ट से रजिस्टेंट है, डिसीज का नाम है ये सब, ठीक है ना। और क्रॉप में वीट में हिमगिरी वेराइटी है जो कि लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिल बर्नट से भी रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा अपना कॉपी, कॉपी में एक है पूसा कोमल जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट से भी रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब चिली में जो है पूसा सदाबहर जो चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल से रेजिस्टेंट, ठीक है। तो वेराइटीज़ याद रखना है, एक बार मैं इसमें आप इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि चिली पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार इज रेजिस्टेंट टू चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। उसके बाद फिर अपना कौपी जो कि जिसका जिसमें एक स्नो पूसा पूसा कोमल वैरायटी है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट है, ठीक है। कॉलीफ्लावर में पूसा स्वर्णिम एंड पूसा सुभ्रा, सॉरी पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल के वन जो कि ब्लैक ब्लैक रॉट ब्लैक कर्ल ब्लाइट एंड एंड ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंट है, ठीक है। और वीट में हिमगिरी लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिल वन से रेजिस्टेंट है। ब्रासिका में पूसा स्वर्णिम वाइट रेड, अब कोई आपको याद नहीं होता है तो आपको वीट तो याद कर लीजिए, वीट हिमगिरी ब्लैक लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड क्या बोलते हैं हिलबर्न, लेकिन जो ब्रासिका एंड ब्रासिका में पूसा स्वर्णिम वाइट वाइट रस्ट, लेकिन आपको जैसे कि फिर अब दूसरा है कॉलीफ्लावर, इसको आपको याद करना टेक्निक, कॉलीफ्लावर जो होता है पूसा पूसा मतलब फूल पुष्प की तरह रहता है ना कॉलीफ्लावर, मतलब उसका शेप, तो पूसा स्वर्णिम पूसा स्नोबॉल रेजिस्टेंट टू ब्लैक कर्ल ब्लाइट एंड ब्लैक कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ठीक है, याद रख सकते हैं। और काउपी में जो होता है पूसा कोमल, तो याद रखना है कि कोमल कोमल पूसा कोमल रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट। और काउपी में पूसा कोमल है, कैसे याद रख सकते हैं कि जो पी होता है थोड़ा कोमल होगा तो अच्छा टेस्टी आता है ना, इसलिए उसको ऐसा मतलब ऐसा ट्रिक से याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी से कोई ट्रिक बना लीजिए। चिली में तो पूसा सदाबहार याद रखिए, ठीक है। और चिली में जो सदाबहार वैरायटी मतलब चिली जो होता है खाने में, जब भी चिली मिलता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, सदाबहार कर देते हैं, ठीक है, ऐसा याद रखिए, ठीक है। तो पीली तो चिली में कौन सा वैरायटी है, सदाबहार पूसा सदाबहार वैरायटी है। काउपी में काउपी अगर मटर है कोमल है तो अच्छा लगता है टेस्टी खाने में, तो पूसा कोमल, ठीक है। और कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जो होता है पुष्प की तरह होता है, तो पूसा कोमल पूसा सुभ्रा एंड पूसा सदा पूसा स्नोबॉल, सॉरी, ठीक है। और ब्रासिका में पूसा स्वर्णिम, ठीक है। और वीट में हिमगिरी, तो हिमगिरी वैरायटी जो होता है एक बार और याद कर सकते हैं, लीफ एंड स्टाइप रस्ट हिम हिम हिल बर्नट। ब्रासिका में है हम लोग का पूसा स्वर्णिम जो कि हम लोग को वाइट रस्ट से रेशन। चिली में चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। काउपी में पूसा कोमल जो कि अपना बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। ब्रासिका में वाइट रस्ट एंड पूसा, ठीक है। तो दो जगह हमको याद इंपॉर्टेंट चीज़ें, कॉलीफ्लावर है तो ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज़ ऑफन, ठीक है। तो ये सब जो है कन्वेंशनल ब्रीडिंग से एक जो है मतलब ये डिसीजेस है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हम लोग डेवलप करें, ठीक है। इसके बारे में टेबल हमको याद हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट जीन्स दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वैरायटीज एंड वाइल्ड वैरायटी। इंड्यूसिंग म्यूटेशंस इन प्लांट टू ड्राइवर्स मींस एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम्स लेड टू डिजायरेबल जीन्स बीइंग आइडेंटिफाइड। प्लांट हैविंग द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ईदर मल्टीपल डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग। अदर ब्रीडिंग मेथड्स दैट आर यूज्ड आर सेलेक्शन अमंग द सोमाक्लोनल वैरायटीज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होता है मतलब पहले सेलेक्ट किए हाइब्रिडाइज किए तो वो, और म्यूटेशन जब करते हैं तो जो होता है दोनों में मतलब जो होता है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स ही हम लोग कन्वेंशनल ब्रीडिंग से ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूटेशंस के द्वारा क्या होता है, हम लोग उसमें एक नया ही मतलब डिसीज रेजिस्टेंस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जल्दी और आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये वाला ये पूरा पैराग्राफ यही बोलता है, ठीक है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस जीन दैट आर प्रेजेंट टू आइडेंटिफाई वेरियस क्रॉप वैरायटी। इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट टू डाइवर्स मींस एंड देन स्क्रीनिंग द मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम्स लीड टू डिजायरेबल
कैरेक्टरिस्टिक्स बीन आइडेंटिफाइड, समझे? तो मतलब कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम लोग किसी ऑलरेडी प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बस कंबाइन करते हैं या लाते हैं, लेकिन म्यूटेशन से हम लोग अपना मर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो म्यूटेशन का प्रोबेबिलिटी कम होता है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई होता है, लेकिन समटाइम्स म्यूटेशन में मिल जाता है, ठीक है? अभी हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं। म्यूटेशन इज प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंसेस विद इन जीन्स। चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप, ठीक है? इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन। केमिकल्स में आपको बताया, केमिकल का लिस्ट पहले बता चुका हूँ, ठीक है? एंड सेलेक्शन एंड यूजिंग ऑफ प्लांट दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एवरी फॉर सम ब्रीडिंग, ठीक है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन ब्रीडिंग इन मूंग बींग्स रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन आने का चांसेस हाई है कि मूंग बींस में रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू म्यूटेशन के द्वारा ही इंड्यूस किया गया, ठीक है? मूंग बींग में रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वॉज इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस, ठीक है? ओके, तो सेवरल हम लोग पढ़ते हैं। सेवरल वाइल्ड वैराइटीज ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट हैज बीन शोन टू हैव सर्टन रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बट हैव वेरी लो यील्ड, हेंस देर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंट जीन एंड टू हाई यील्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रेजिस्टेंट येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी एबलमोस्कस एस्क्यूलेंटिस वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड वैरायटी एंड रिजल्टेड इन अ वैरायटी ऑफ एबलमोस्कस एस्क्यूलेंटिस कॉल्ड एज परभानी क्रांति, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम म्यूटेशन किसी चीज़ में इंड्यूस करवाते हैं, मतलब जिस वाइल्ड वैरायटी कन्वेंशनल ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो म्यूटेशन में तो हम लोग कोई भी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि अपना मूंग में देखें, ये मूंग बीन्स एंड जैसे कि मूंग बीन में पाउडरी मिल्यू एंड येलो मोजाइक वायरस में रेजिस्टेंट हम लोग म्यूटेशन के द्वारा क्रिएट किए थे। तो अपने मर्जी के प्लांट, हाई यील्ड प्लांट में हम लोग म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब नेचुरली किसी जीन को हम देखते हैं तो वो जिस प्लांट में पाया जाता है उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जिस प्लांट में डिसीज रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल होता है बाय डिफॉल्ट, उसमें यील्ड कम होता है, ठीक है? तो ऐसे एक भिंडी में, एक भिंडी का भिंडी एबलमोस्कस एस्क्यूलेंटस, ये साइंटिफिक नेम है, उसमें ये पाया गया था कि उसमें रेजिस्टेंस तो था वाइल्ड वैरायटी में, लेकिन उस वाइल्ड वैरायटी का यील्ड कम था। तो उसको हम लोग एबलमोस्कस मतलब एक नेटिव वैरायटी से क्रॉस करा के एक नया वैरायटी क्रिएट किए बाय जिसमें डिसीज रेजिस्टेंस भी था और हाई यील्ड भी था, तो उसका नाम है परभानी क्रांति, ठीक है? फिर ऑल दी अबव एग्जांपल्स आर सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस जीन दैट आर सेम क्रॉप स्पीशीज व्हिच हैव बीन ब्रेड फॉर डिसीज रेजिस्टेंस और इन अ वाइल्ड लेड। ट्रांसफर ऑफ जीन इज असिस्टेड बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टारगेट एंड दिस सोर्स प्लांट फॉलोड बाय दिस सेलेक्शन, ठीक है? ये अपना हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत एक मतलब टॉपिक है, एक मतलब सोचने वाली बात है कि परभानी क्रांति जो था जिसको हम लोग म्यूटेशन के दौरान ही कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन से इंड्यूस किए थे और मूंग बींग्स में हम लोग जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग की था। बाकी जो भी हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं ये सब जो भी है ये सब कन्वेंशनल हाइब्रिड वैरायटी से, सिर्फ म्यूटेशन से एक ही चीज़ हम लोग बनाया है, दैट इज़ मूंग बींस, ठीक है? ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट सोर्स उसके बाद हम लोग का है सेल, सिंगल सेल प्रोटीन और चैप्टर खत्म, ठीक है? प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस फॉर ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है? अब ये सब जो भी था इट इज़ फॉर बैक्टीरिया एंड फंगस, अब जो है डिसीज में इंसेक्ट पेस्ट में रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है? अनदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्लांट प्रोड्यूस इज इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेक्टेशन। इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स मे बी ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो होता है मॉर्फोलॉजी की वजह से हो सकता है, बायोकेमिकल की वजह से होता है, मतलब फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हेरी लीव्स इन सेवरल प्लांट एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। हेरी लीव्स जो होता है जिसमें मतलब रेशादार पत्ता होता है तो वो इंसेक्ट से थोड़ा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है? तो हेरी लीव्स इन जैसे कि हेरी लीव्स इन एग्जाम्पल में जैसिड्स, ठीक, हेरी लीव्स इन जैसिड्स टू कॉटन एंड सीरियल लीव बीटल इन वीट, सीरियल लीव बीटल इन वीट, ठीक है ना? ये हो गया। तो हेरी लीव्स जो हेरियल हेरी लीव्स जो होता है वो दो प्रकार का प्लांट में हम लोग का रेजिस्टेंस शो करता है, एक तो जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट, ठीक है? इसमें किस वजह से रेजिस्टेंस हुआ, हेरी लीफ होने की वजह से रेजिस्टेंट हुआ, ठीक है? फिर दूसरा है कि वीट स्पीशीज में सॉलिड जो होता है नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम सॉफ्ट लाई, ठीक है? एंड स्मूथ लीव एंड नेक्टारलेस कॉटन वेराइटीज डो नॉट अट्रैक्ट बोल वर्म्स, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉटन वैरायटी में जो होता है बोल वर्म कॉटन को इन्फेक्ट करता है, तो अगर कॉटन स्मूथ लीव एंड नेक्टारलेस है तो उसमें बोल वर्म इन्फेक्ट नहीं करेगा। फिर उसके सॉलिड स्टेम है तो जो होता है स्टेम सॉफ्टफ्लाई जो होता है उसमें वो स्टेम सॉफ्टफ्लाई एक इंसेक्ट का नाम है, ठीक है? अगर जो कि वीट में इन्फेक्ट करता है, अगर वीट का सॉलिड स्टेम है मतलब मोटा और तगड़ा स्टेम है तो
मतलब थोड़ा हार्ड स्टेम रहता है, तो स्टेम सॉफ्ट है उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और स्मूथ लीव एंड नेक्टार लेस, मतलब जूस लेस कॉटन है तो उसमें बोलवा में अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर और हेरी लीफ है तो जस्टिस इन कॉटन इन्फेक्ट नहीं करेगा, और सीरियल लीफ बिटल जो है वीट में इन्फेक्ट नहीं करेगा, जब अगर हेरी लीफ, ठीक है। अब याद रखना है कि कौन सा, कि आपको यहाँ पर ये वाला चीज पॉइंट याद रखना है कि अगर हेरी लीफ है तो कॉटन में जेसिड्स अटैक नहीं करेगा, और वीट में सीरियल लीफ बीटल अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और सॉलिड स्टेम है तो वीट में जो होता है स्टेम सॉफ्ला अटैक नहीं करेगा, और अगर कॉटन में नेक्टारलेस और मतलब क्या बोलते हैं स्मूथ है लीफ तो बोलवा अटैक नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और है, हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन शुगर कंटेंट इन मेज जो होता है इट लीड टू रेजिस्टेंट टू स्टेम बोरर, ठीक है। और अगर लो नाइट्रोजन है, लो शुगर है और हाई अस्पार्टिक एसिड है तो स्टेम बोरर यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। किसने? मेज प्लम, मेज मतलब भुट्टा, ठीक है। समझ में आगे ना, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ में यहाँ पे 100% क्वेश्चन आ सकता है, कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा, ठीक है। अब जो आपको याद हो चुका है, फिर यहाँ पर दूसरा, ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप एज दोज फॉर एनी एग्रोनॉमिक ट्रेट और ईल्ड क्वालिटी एंड देयर डिस्कस्ड अर्ली। सम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जीन में भी कल्टीवेटेड वेराइटीज़ ऑफ जर्मोप्लाज्म कलेक्शन, सम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जीन में भी कल्टीवेटेड वेराइटीज़ जर्मोप्लाज्म कलेक्शन ऑफ द क्रॉप और वाइल्ड रिलेटिव, ठीक है। तो जो भी है सोर्सेस, मतलब जो होते हैं जर्मोप्लाज्म, ठीक है, जर्मोप्लाज्म मतलब एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर अ जीन इज कॉल्ड जर्मोप्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि जो ट्रेट होता है, ठीक है, वो ट्रेट या तो जर्मोप्लाज्म में निकाल के लेके आएंगे या तो कि वाइल्ड वेराइटी से लेके आते हैं बाय जर्मोप्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। तो सम ऑफ द क्रॉप वेराइटीज़ ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर, यहाँ भी याद रखें जो भी टेबल बनाया है पूरा हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन से बना है, ना कि म्यूटेशन से। म्यूटेशन ब्रीडिंग से सिर्फ एक ही डिसीज बना है, दैट इज़ मूंग बीन, जो कि येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट था, बाकी सब कुछ जहाँ भी जो डिस्कस कर रहे हैं वो सब ये हो, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पे आप पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ब्रासिका जो कि पूसा गौरव जो है वो अफीड नाम का इंसेक्ट से रेजिस्टेंट था। फ्लैट बीन्स, फ्लैट बीन मतलब एक वो है मूंग टाइप का। पूसा सेम दो, पूसा सेम तीन जो कि जसिट्स अफिड्स एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट है। ओखरा भिंडी जो है वो पूसा स्वर्णिम और पूसा A4 शूट एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट। तो आपको ये टेबल भी याद रखना है, यहाँ पे आपको पूरा याद करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, अब हम लोग फूड क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक इसके पहले हम लोग जो है ईल्ड के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में इतना सारा, ठीक है। और रेजिस्टेंस में जो भी आपको पूरा रटना है, पूसा का ब्रासिका का जो है पूसा गौरव जो कि अफीड से रेजिस्टेंट, फ्लैट बीन का पूसा सेम टू पूसा सेम थ्रीन जो कि जसिट्स अफिड्स एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट है। ओखरा का जो है पूसा सावानी पूसा A4 जो है शूट एंड फ्रूट ब्रोवर से, ओखरा मतलब भिंडी, ठीक है। ये अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटी के बारे में, विटामिन कंटेंट प्रोटीन कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अ फार ग्रेटर नंबर देन 3 मिलियन अ फार ग्रेटर नंबर 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन विटामिन विटामिन डेफिशिएंसीज और कॉल्ड एज हिडन हंगर, ठीक है। तो हिडन हंगर जो होता है इसको बिकॉज दे डू नॉट अफोर्ड टू बाई एनफ फ्रूट वेजिटेबल्स लेग्यूम्स एंड फिश एंड मीट, ठीक है। तो जो होता है हिडन हंगर एक टर्म है जिसको हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी को हम लोग डिनोट करते हैं कि बहुत सारे लोग जो होता है हिडन हंगर से सफ़र कर, हिडन हंगर मतलब ये होता है कि डेफिशिएंट विटामिन डेफिशिएंट प्रोटीन, ठीक है। बिकॉज दे डू नॉट एफर्ट, ठीक है। डैट लैकिंग एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली आयरन विटामिन आयोडीन एंड जिंक इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिसीज रिड्यूस लाइफ स्पैन एंड इसी को हम लोग हिडन, तो ये जो है ये स्टेटमेंट ये हिडन हंगर का कंसिक्वेंस है, ठीक है। कि हिडन हंगर यानी कि लैक ऑफ क्या प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब आयरन जिंक जो भी है ये सब जो है डिसीज़ को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायो फोर्टिफिकेशन ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर, तो इसको तो मतलब इस तो ये टर्म को हिडन हंगर बोलते हैं, और हिडन हंगर का जो है रिमूवल मतलब उसका जो उसका क्या बोलते हैं उसका तोड़ जो है या फिर उसका सॉल्यूशन है बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन
ब्रीडिंग कॉर्फ विद हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड हाई प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी, ऑयल कंटेंट क्वालिटी, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो होता है, यानी कि जो पता है कि 840 मिलियन जो है उनके पास फूड नहीं है, और इससे भी ज़्यादा लोग जो है मतलब 3 मिलियन से भी ऊपर जो लोग हैं हिडन हंगर से सफ़र हो रहे हैं। हिडन हंगर का मतलब प्रोटीन कंटेंट कम है, जितना हमको डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉडी वेट इंटू 1.5 to 2, तो इतना हमको प्रोटीन ग्राम पर डे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो 70 kg के हो। ठीक है, तो 70 kg को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से 2.0 तक, तो इज इक्वल टू जो भी आएगा मतलब 150 से जो भी आपका वैल्यू आएगा, 150 to 180 जो भी है, इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको पर डे लेना है। ठीक है, और इससे भी और इसका जो हाफ इसका जो है 1/3 पार्ट जो है आपको फैट लेना है, और इसका डबल और इसे थोड़ा ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। ठीक है, तो आपका अब तो आपको कितना प्रोटीन लेना है आप काउंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, फिर उससे जो है तो समझ में आ गया, तो हिडन हंगर से 3 बिलियन पीपल लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, और 840 बिलियन पास तो फूड ही नहीं है। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, जिसमें हम लोग ब्रीड करते हैं इम्प्रूव विटामिन कंटेंट और। ठीक है, तो ब्रीडिंग फॉर तो हम लोग इम्प्रूवड क्वालिटी के लिए हम लोग कुछ कुछ 4 पॉइंट को हम लोग अंडरटेक करते हैं सोच के। पहला कि हम लोग ऐसे ब्रीड करें कि प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ जाए, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ जाए, तेल बढ़ जाए उसमें, विटामिन कंटेंट बढ़ जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट बढ़ जाए। ठीक है, ये सोचते हैं। इन 2000 मेज ब्रीड्स हैव ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग फूड वीट वैरायटी। एटलस 66 हैज अ हायर प्रोटीन कंटेंट, हैज बीन यूज्ड एज डोनर फॉर इंप्रूविंग कल्टीवेटेड वीट। इट हैज बीन पॉसिबल डेवलप आयरन फोर्टिफाइड राइस हैव 5 times मच आयरन एज द वैराइटीज कंज्यूम है। ठीक है, तो एटलस 56 जो है एक वीट का वैरायटी है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है, और राइस का एक वैरायटी है जो कि ज़्यादा मतलब विटामिन ए को ज़्यादा विटामिन आयरन फोर्टिफाइड राइस जो होता है उसमें ज़्यादा आयरन 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 का रिच आयरन राइस को हम बना चुके हैं। द IARI दिल्ली में जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव रिलीज सेवरल क्रॉप दैट हैव रिच इन विटामिन जो है विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट एंड स्पिनिच पम्पकिन, विटामिन सी इनरिच्ड बटर गौज बथुआ मस्टर्ड टोमेटो आयरन एंड स्पिनच एंड बथुआ एंड कैल्शियम एनरिच स्पिनच एंड बथुआ एंड प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स लबलब फ्रेंच एंड गार्डन पीस। तो ये सब जो है हम अपना IARI इंडियन में जो है वो रिलीज़ कर चुका है। तो आपको यहाँ पे याद रहा एटलस 56 जो है किसकी किस में इसमें हाई कंटेंट ऑफ क्या होता है, एटलस 56 में हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है, आयरन फोर्टिफाइड राइस जो होता है इसमें हाई 5 times आयरन होता है नॉर्मल वैरायटी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में, फिर टिश्यू कल्चर। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन का क्या होता है, मतलब कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल पल्सेस एंड वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सेट्रा मे नॉट बी एबल टू मीट डिमांड एट विच द ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कन्वेंशनल हम लोग इतना ब्रीडिंग कर रहे हैं फिर उसको उगा रहे हैं, तो वो जो होता है वो फिर भी इतना हम लोग आगे जो भी मेथड डिस्कस किए हैं इसके बावजूद भी जो है प्लांट में प्रोटीन कंटेंट या पॉपुलेशन के लिए जो है पूर नहीं रहा है, मतलब इनफ नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट आल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर सीरियल एज इट टेक्स 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है नॉनवेज खा रहे हैं तो ठीक है, अब जो है सीरियल पॉपुलेशन जो है मतलब प्लांट बेस्ड डाइट पूर नहीं रहा है पॉपुलेशन के लिए, तो नॉनवेज में शिफ्ट हो गए, लेकिन 1 kg मीट के लिए 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन लगता है, तो हम फिर भी हमको ग्रेन को प्रिपेयर करना पड़ जा रहा है ना। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ नॉलेज अबाउट द फूड चेंज। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज फॉर फूड चेन। ठीक है, तो इसको अपने को फूड चेन के अगर कंटेक्स्ट में इसको हम लोग को मतलब इंक्रीज करना है, तो जैसे कि पता है आपको कि जो प्रोडक्टिविटी होता है हायर लेवल का, हायर लेवल जैसे कि हम जाते हैं तो हायर लेवल में हाई प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो हायर बायोमास कंजप्शन हो जाता है प्लांट से कंपेयर, तो उसकी वजह से जो होता है अगर एक एनिमल है ठीक है उसका बायोमास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, मतलब बायोमास और प्लांट ज़्यादा होगा लेकिन एनिमल जो है उससे ज़्यादा ही मतलब जो है उनका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है ना एज़ कम्पेयर टू प्लांट। तो ये यहाँ पर जो है लेकिन अभी लेकिन यहाँ पे एक क्लिक ये है
कि हियर वी आर नॉट कंपेयरिंग द स्मॉलर और लार्ज प्लांट्स, वी आर कंपेयरिंग द एडिबल प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज अ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो इतना सारा जो है 25% पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन सफ़र कर रहा है, तो अब जो है इसका एक सॉल्यूशन एक और है कि सिंगल सेल प्रोटीन को बनाया, कि एक सेल से ही हमको प्रोटीन मिल जाए, ठीक है। ऐसा टाइप का माइक्रोब्स आर ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज सच एज सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। माइक्रोब्स लाइक स्पायरुलिना कैन बी ग्रोन मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर, पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट कंटेनिंग स्टार्च, स्ट्रॉ, मोलासेस, एनिमल मैन्यूर एंड इवन सीवेज में भी हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, टू प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एंड कैन सर्व एज अ फूड इन प्रोटीन, फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? तो अगर हम लोग स्मॉल माइक्रोब्स को, जो कि जिनका बायोमास प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, जैसे कि एक माइक्रोब्स है, उनका रिप्रोडक्शन भी आसान है, उनको ग्रो करना, उनको ग्राम से टन में बदलना भी बहुत आसान होता है ना। एक एक केजी ऑफ बैक्टीरिया अगर है तो उसको 1000 केजी में बढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा, बट 1000 एक केजी ऑफ प्लांट है, एक एक्स प्लांट है या प्लांट है, उसको बढ़ाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एनालॉगी बताया गया है कि इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड दैट 250 केजी ऑफ काउ प्रोड्यूसेस ओनली 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन, वेयर एव 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, बिकॉज ठीक है, 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इतना ग्राम ऑफ प्रोड्यूसम मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ठीक है ना। आपको पता ही सेल डिवीजन बैक्टीरिया जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल, तो इस वजह से जो वहाँ बायोमास प्रोडक्शन हाई हो जाता है। कैन बी एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। तो 250 केजी ऑफ काऊ के बारे में बात करें तो आपको सिर्फ 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ काऊ का मीट में सिर्फ 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। तो 250 ग्राम में भी जो है मिनिमम 200 से भी कम जो है, 250 केजी में 200 से भी मतलब 250 केजी में अप्रॉक्सीमेटली हाँ 20 होगा, 200 ग्राम सही है, ओके, 200 से 400 ग्राम, 200 से 350 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली होगा, क्योंकि हाँ ओके, अलग अलग वैरायटी में अलग अलग प्रोटीन कंटेंट होता है। लेकिन अगर 250 ग्राम बैक्टीरिया जो होगा, आपको इतना हाई बायोमास प्रोडक्शन होता है कि सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये मशरूम कैन बी ईटन बाय पीपल ऑन लार्ज स्केल, मशरूम कल्चर इज ग्रोइंग इंडस्ट्री, इट मेक्स बिलीवेबल माइक्रोब्स टू बिकम एक्सेप्टेबल एज ए फूड। तो अभी हम लोग सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में माइक्रोब्स को भी हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे वो भी हमको एट दी एंड प्रोटीन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स के बारे में बता चुका हूँ कि जो एल्गल एल्गे जो है सिंगल सेल प्रोटीन में यूज़ हो रहा है, स्पायरुलिना मैक्सिमा, क्लोरेला, पायरिनोडोसिया एंड स्किनडेस्मस एक्वाटिकस, ठीक है, एक्वाटस। बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है वो ब्रेवी बैक्टीरियम, कीटोग्लुटेलिकम, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस जो यहाँ पे दे चुका है, ठीक है। एंड फंगल सेल प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है मिथाइलोफिलस, ठीक है, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, बैक्टीरिया विच इज यूज एज सिंगल सेल प्रोटीन, स्पायरुलिना मैक्सिमा, क्लोरेला, पायरिनिडोसिया एंड स्किनडेस्मस इज ऑल्सो यूज एज एल्गल, ठीक है। फंगल में हम लोग कैंडिडा यूटिलिस को भी यूज़ कर सकते हैं एंड सेचेरोमाइसिस सेरेविजी, बेकर यीस्ट को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मशरूम जो होता है वो भी फंगस में ही आता है, तो उसको भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में, जो कि अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर एफ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप अ पेस विद डिमांडिंग एंड प्रोवाइड सफिशेंट, फास्ट एंड एफिशिएंट कल्चर सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड एफ टिश्यू कल्चर विटर। अब जो है इस सारे टेक्निक से भी पूर्ण नहीं रहा है हमारा जो मतलब अपना जो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो टिश्यू कल्चर भी एम्प्लॉय कर चुके हैं, अब कर रहे हैं। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? इट हैव बीन लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950 दैट होल प्लांट कुड बी जनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट, ठीक है। तो एक पूरे प्लांट को एक्स प्लांट से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लांट इज एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टीराइल, मतलब स्टीराइल मतलब बैक्टीरियल फ्री कंडीशन, ठीक है, इन स्पेशल न्यूट्रिटिव मीडिया। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल इज और एक्स प्लांट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। तो अपन पूरे एक प्लांट को उसके सेल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसके एक पार्ट से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, इस मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी जो होता है एक्स प्लांट से प्रोड्यूस होता है। एक्स प्लांट का मतलब क्या होता है? एक्स प्लांट, एक्स पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब एनी पार्ट विच टेकन एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेरिल कंडीशन गिव अ टोटल, उसको बोलते प्लांट इज कॉल्ड एज
इन स्पेशली न्यूट्रिटिव मीडिया इज कॉल्ड एज एक्सो प्लांट, ठीक है। यू लर्न हाउ टू अकम्प्लिश इन हायर क्लासेस, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिटिव मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज, ऑल्सो इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन, साइटोकाइनिंस एक्सेट्रा। बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव अ प्रोपगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बाय थ्रू टिश्यू कल्चर फ्रॉम एक्स प्लांट थ्रू टोटिपोटेंसी इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग एक सेल को यूज़ करके, जिसको न्यूट्रिटिव मीडिया में मतलब जैसे कि अगर अगर होता है उसको न्यूट्रिएटिव मीडिया के फॉर्म में यूज़ करते हैं, कोकोनट मिल्क को भी यूज़ करते हैं, अगर अगर जो होता है रेड एल्गे से बनता है रोडोफाइसी, कोकोनट मिल्क को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें साइटोकिनिन का हाई कंटेंट होता है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर न्यूट्रिएटिव मीडिया जो होता है म्यूसीरिएज एंड स्कूग MS मीडियम, ठीक है, ये उसको याद रखना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को में एक सिंगल सेल से थाउजेंड ऑफ प्लांट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। इसमें कोई बीज उच की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी आइडेंटिकल जेनेटिकली एंड ओरिजिनल प्लांट एंड देयर, मतलब जो भी होगा सोमा क्लोन्स होगा जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट। एक क्वेश्चन आता है नेट में कि व्हाट इज सोमा क्लोन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, ठीक है, आप लिखना। मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय सोमा बाय माइक्रो प्रोपोगेशन। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विद योर टीचर टू अंडरस्टैंड दी एंड अप्रिशिएट दी प्रोसेस, ठीक है। अंडर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिसीज प्लांट, ऑल दो द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस द मेरिस्टम इज फ्री ऑफ वायरस। क्यों 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 फ्री ऑफ वायरस होता है मेरिस्टम, ठीक। अगर एक प्लांट पूरे प्लांट उसमें क्या हो गया इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उसका मेरिस्टम जो होगा वो डिसीज फ्री होगा। क्यों? क्योंकि मेरिस्टम जो होता है कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहता है ना, कभी रुकता नहीं है, तो नया नया सेल प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से उसमें इन्फेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हैंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टम ग्रो इन विट्रो, मतलब लेबोरेटरी में, टू ऑप्टेन अ वायरस फ्री प्लांट। समझ में आ गया। साइंटिस्ट हैज बीन सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टम्स ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटेटो। साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सेल्स फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल्स बाय हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। Isolated protoplast of from two different plant having each desirable characteristics can be grown to get hybrid protoplast which can be used to form a न्यू प्लांट, ठीक है। तो सोमैटिक हाइब्रिड्स, दिस हाइब्रिड्स आर कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड, अंडर द प्रोसेस कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोमैटिक हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेल लेते हैं, सिंगल सेल्स को प्लांट से लेते हैं, उसको हम लोग प्रोटीन डाइजेस्टिंग या फिर सेलुलर डाइजेस्टिंग एंजाइम से ट्रीट या एंजाइम से ट्रीट करते हैं, और हम लोग उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह को हटा के उसका जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को दो प्लांट से कंबाइन करके सोमा क्लोन बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद पोटैटो एंड दे आर फॉर्म्ड न्यू हाइब्रिड प्लांट कंटेनिंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटैटो टोमेटो। वेल दिस हैज़ बीन अचीव्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ पोमेटो, ठीक है। तो पोमेटो का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसको हम बोलते हैं कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें कि प्रोटोप्लास्ट यूज होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस कमर्शियल यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो पोमेटो जो है इसको बना चुके थे हम लोग, जिसको हम लोग ठीक है साइक ठीक है, लेकिन वो सारे प्लांट का जो है उसमें क्वालिटी था नहीं, तो उसको हम लोग वो कर दिए, ठीक है, कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो इसमें आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। हैव ए गुड डे।